Thank you.
तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तुतालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुनैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्नि गौरतुषे नमः हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश सह गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय प्रसुतेभ्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साधे गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्री माधभक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नित्यलीला विष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सदय श्री 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 माधभक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। कथकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे हमारे चार वैष्णव संप्रदाय। अगर हमें भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना, अगर सही सही रूप में भगवान तक अगर हमें पहुंचना, तो शास्त्र कहता है ये चार वैष्णव संप्रदाय में कोई एक वैष्णव संप्रदाय में अंतर्भुक्त होकर के भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए। इसलिए कल हम सुन रहे थे कोई कोई कहते हैं ना, अरे भक्ति करना तो जैसे होता है वैसे करो ना, इस संप्रदाय संप्रदाय की प्रक्रिया सृष्टि कर दिया आप लोगों ने। भक्ति करो जैसे इच्छा वैसे धर्म, नहीं संप्रदाय की जरूरत है। इसका नाम है संप्रदाय। संप्रदाय मतलब क्या है? सम मतलब होता है सम्यक रूप में, प्र मतलब होता है प्रदान करता है, हैं? इसलिए संप्रदाय मतलब होता है जो दान दे, मतलब जो हमें सही सही रूप में हमें भगवान तक संपूर्ण रूप में जो भगवान तक पहुंचा दे उसका नाम संप्रदाय, जो सही सही रूप में पहुंचा दे, हैं? इसलिए अगर संप्रदाय नहीं होता आप बोल दोगे अरे ऐसे क्यों, ऐसे भक्ति करो, किसी ने आकर के बोल दिया बोले ऐसे क्यों, ऐसे क्या नहीं हो सकता है। पर चौथा आकर बोले फिर तुम्हारी बात चले हमारी बात नहीं चलेगी, फिर वो अपना मनमानी कुछ बोलता था फिर क्या होगा। जिसको जैसे इच्छा होगी वैसे ही रास्ता में चलेगा। इसलिए जो शास्त्र है, शास्त्र मतलब क्या है बोले शास्यति इति शास्त्र, जो हमें शासन करता है। अगर हम गलत रास्ता में जाए जैसे पिता माता हैं, अगर बच्चे बोलेंगे भैया हमारा जैसे इच्छा होता है वैसे करेंगे, ये पिता माता की बात सुनने का क्या जरूरत है, अपना इच्छा मुझे करो ना, नहीं पिता माता ऐसे नहीं करने देते। बोले नहीं बच्चों की इच्छा होता है पढ़ाई करने के लिए, बच्चे तो इच्छा करते हैं खेल कूदे मस्ती में रहे, लेकिन पिता माता क्या करते हैं, नहीं ये गलत चीज़ है, पढ़ाई सुनाई करो देखा पढ़ा करो,
लेखा बड़ा करोगे तो अच्छे इंसान बनोगे, अच्छी नौकरी चाकरी मिलेगी, फिर अच्छे काम करोगे, फिर तुम्हारी अच्छे दुकान मकान घर बनेगा, फिर आराम से रहोगे। अगर बच्चा बोले बोले कि हमारा जैसी इच्छा होता है वैसे कर, फिर तो क्या होगा, फिर नरक में सीधा सीधा अपना मन मान चलोगे तो गड्ढे में जाओगे। अगर पिता माता की बात सुनोगे तो सही रास्ता पर जाओगे। इसलिए बोले जो वेद है ये हमारे पिता है और जो भागवत ये हमारे माँ, भागवत हमारी माँ है। जैसे पिता माता बच्चों को कल्याण के लिए हर बात बोलते हैं, शास्त्र भी हम भगवान के बच्चे हैं। गीता भागवत रामायण पुराण कोई हमारी माँ, कोई हमारे बाबा, कोई हमारी बहन, कोई हमारी भाई। पुराण में बताया एक श्लोक है, भाई कौन है, बहन कौन है, पिता कौन है और माता कौन है, हैं? इसलिए शास्त्र मतलब होता है जो हमें शासक करे, गलत रास्ता में जाने नहीं दे, हमें जो सही सही मार्ग पर जो हमें ले जाए। इसलिए भगवान ने ये संप्रदाय उन्होंने बनाया। जैसे जीव अगर ये ऐसे रास्ता को अगर जीव अगर अपनाएगा तो फिर वो डायरेक्ट मेरे पास में आ जाएगा। इसलिए ये चार वैष्णव संप्रदाय में जो सब भक्त लोग आए हैं, सबके सब भगवान की भेजा हुआ ये सबके सब महापुरुष आए, ये कोई साधारण व्यक्ति आए नहीं है। अगर इनकी बात अगर हम सुनेंगे तो फिर हम सही रास्ता पर जा पाएंगे। इसलिए श्री युधिष्ठिर महाराज को आपको महाभारत तो सुने होंगे, जब पंच पांडव का वनवास हो गया, वनवास में गए, एक दिन द्रौपदी को बड़ी जोर से प्यास लगी, बोले मेरे साथ चला नहीं जा रहा है, इसलिए मेरे को तो बड़ी जोर से प्यास लग रही है, फिर पानी ला दो। हुए श्री युधिष्ठिर ने बोले भीम देखो तो आस पास में कोई पानी है, तो भीम ने क्या किया पेड़ पर चढ़ा, देखा दूर में कुछ चिड़िया उड़ते हुए, चिड़िया कहाँ पर उड़ते जहाँ पर पानी होगा, लगता है पास में ये चिड़िया उड़ रहे हैं, लगता है कोई पानी होगा, जाओ जल्दी जल्दी जाओ पानी लेकर के आओ। लेकिन जब उसने पानी पीने के लिए गया बोले सावधान, मेरे प्रश्न की उत्तर दे करके पानी पियो। उसने देखा, देखा एक बगुला बैठा हुआ, बोले तेरे जैसे बगुला हमने कितने देखा है, बगुले के उत्तर दे करके हमें भीम सर्वश्रेष्ठ में गदाधारी और तेरे उत्तर दे करके हम पानी पीना पड़ेगा। उसने जोर जबरदस्ती पानी पीने गया तो बस वहीं पर बेहोश हो गया। अर्जुन भी गया, फिर बोला बोले सावधान मेरे प्रश्न का उत्तर दे करके पानी पियो। देखा कौन दिल्ला जो बहुला है, बोले सर्वश्रेष्ठ में गांडी भी धारी और तेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरे को पानी पीना पड़ेगा, देख लेंगे तुम क्या कर लोगे मेरे। बस पानी पीने गया तो भी बेहोश हो गया, चारे तो चार भाई बेहोश हो गए। जब श्री युधिष्ठिर गए भैर एक ही अवसावधान मेरी प्रश्न की उत्तर दे करके पानी पियो, नहीं तो चारी भैया को जो दशा ये दशा हो गई। लेकिन इनका नाम क्या है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर मतलब क्या है बोले युद्ध अवस्था में भी जिसका बुद्धि स्थिर रहता है। अब देखना जब युद्ध होता है ना बोले एक चीज मरना नहीं तो मारना, उसको और दुनिया कुछ नहीं चिंता है, मरो नहीं तो मारो। लेकिन इसी अवस्था में भी जिसको बुद्धि स्थिर रहती है इसलिए उनका नाम श्री युधिष्ठिर। जब उन्होंने प्रश्न की रात्रि कृपा करके प्रश्न बोलो कोशिश करना उत्तर देने के लिए, तो उन्होंने बहुत प्रश्न किया था, हैं? बहुत प्रश्न में एक प्रश्न था का बल था, वास्तव में मार्ग क्या है, हमें कौन सा मार्ग पर हमें चलनी चाहिए, उसमें तो बहुत प्रश्न था। जगत में कौन सुखी है, हैं? कौन जगत में सुखी, अऋणी अप्रवास, जो कभी किसका ऋणी नहीं लिया। अब देखना जो ऋणी लिया हुआ व्यक्ति ना दिन भर उसको चिंता कैसे ऋणी चुकाओ, कैसे ऋणी चुकाओ दिन भर, इसलिए कभी ऋणी नहीं लेनी चाहिए, है अऋणी। और दूसरी बात है वास्तव रूप में ऋणी कौन नहीं है, भागवत में बताया जगत में आएंगे तो हमको पांच तरह का ऋणी सबको चुकाना पड़ता है, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जिसको पांच तरह का ऋणी चुकाना नहीं पड़ेगा। बोले कौन सा ऋणी है, कौन सा ऋणी है, पहला नंबर है देवताओं का, क्योंकि जो बारिश ये ठंडी गर्मी
कौन दे रहे हैं? देवता लोग दे रहे हैं, यहाँ भी हम ऋणी हैं। दूसरा ऋषियों का ऋणी, ये जितने पुराना ग्रंथ वेद जितने मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन ज्ञान हमें किसने दिया? ऋषि मुनियों ने दिया है। याद रखना, मैं कल पूछूंगा कौन मेरे को बोल पाएगा। पांच ऋणी हो गया, पांच ना छह ऋणी, एक हो गया देवताऋणी, दूसरा हो गया ऋषि ऋणी। बोले तीसरा ऋणी क्या है? बोले ये जीव से ऋणी, मतलब ये जगत में आओ भाई बहन पुत्र परिवार सबसे हमें ऋण लेना पड़ता है, इसलिए इनको पास में भी हम ऋणी हैं। और कितना हो गया? तीन हो गया। फिर पिताजी का ऋण, पिताजी ने हमने जन्म दिया, खिलाया पिलाया बड़ा किया। और जो पंचमा ऋणी है माँ की ऋणी है, कभी माँ का ऋण तो कभी कोई चुका ही नहीं सकता, ये कोई नहीं चुका सकता है मातृ, क्योंकि आप लोगों ने बच्चों को गर्भ में धारण किया होंगे, पता होगा माँ को कितने 9 महीना तक कितना कष्ट करना पड़ता है। जो प्रसव पीड़ा वो तो बहुत असह्य है, इतना नहीं रात भर बच्चा रोता है, हैं सोने नहीं देता है, कभी गिल्ली में सो करके बच्चे को सुखा में सुलाती है, मुंह की आहार निकाल करके बच्चे को वो खाना खिलाती है। इसलिए कहते इनका ऋण तो कोई कभी चुका नहीं सकते है, इतने ऋणी इनको पास में हम रहते हैं, इसलिए ये पिता माता के ऋणी में हम आबद्ध है। देखो एक समय अब बुरा बतवाना, जब देखना जो शादी हो जाती है ना, हाँ जब शादी हो जाती है, देखना जो पिता माता ने हमें जो खिलाया पिलाया लिखा पढ़ा सिखाया ये सब भूल जाता है, वो सब भूल जाता है, भूल करके किसका अधीन में हो जाता है? पत्नी की, पत्नी के अधीन में वो व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि उसकी मंत्र दिन भर कान में वही देती है, इसलिए उसका ही मंत्र कान में वही काम करती है, इसलिए वो धीरे धीरे पिता माता का ऋण भूल जाता है। एक दिन सास से लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई तो उसने बोली पति को, बोले देखो मैं तुम्हारी मैया के साथ में मैं रह नहीं सकती है, लेकिन मैं अपना बाप घर में जा रही, पति को घर में, अपना पिताजी घर में जा रहा, तुम मैया को संभालो, मैं तो जा रही पास छोड़ के चलेंगे, बोले अलग हो जाओ नहीं तो मैं जा रही। फिर बेटा को, बेटा तो बीच में फंस गया, अरे यहाँ जाए ना यहाँ जाए, और फंस गया बीच में। एक दिन माँ को बोले देख माँ मेरी पत्नी घर छोड़कर चली गई, वो कहती है अलग हो जाओ नहीं तो मैं जा रही हूँ, एक काम करो तुम मेरे से जन्म से लेकर अभी तक जितने पैसा मेरे प्रति तुमने खर्चा किया है, जितने पैसा तुमने खर्चा की है तुम उसको बता दो, वो पैसा मैं दे देता हूँ, बस फिर हम अलग हो जाएंगे। भैया ने कहा देखो मैं तो अनपढ़ ही हूँ, लिखी पढ़ते है ही नहीं, उसको हिसाब करने के लिए तो कुछ समय लगेगा ना, कोई बात नहीं एक महीना ले, एक महीना में हिसाब करके बता दो। बोले ठीक है बेटा। एक दिन ठंडी का मौसम थी, बेटा सो रहा था तो इतने में उसकी मैया लोटे में एक लोटा पानी दिया, पानी लेकर के जो बेटा सो रहा था ना एक तरफ में डाल दिया। बोले ये बेटा कैसे हो गया, तो बहुत नींद में सो रहे थे, गहरा नींद में, उसने इतने में करवट ले लिया, करवट ले लिया तो मैया ने किया कि दूसरे तरफ और एक लोटा पानी डाल दिया। बोले भैया पानी कहाँ से आ रहा है, एक तरफ आ रही दूसरे तरफ पानी, इतने में देखा मैया, बोले क्या कर रहे हो, सोने क्यों नहीं दे रहे हो, ठंडी का समय में फिर पानी डाल रहे हो, मेरे को सोने क्यों नहीं दे रहे हो। मैया कहती है तुमने बताया ना, मेरे को हिसाब करके बता दो, जन्म से अभी तक तुमने जो लिखाया पढ़ाया बड़ा किया हिसाब करके दे दो, तुम बता रहे थे ना मैं एक रात का हिसाब लगा रहा, मैं एक रात में हिसाब लगा रही हूँ, एक रात। बोले देख बेटा जब तू पेशाब टाटी करता था इधर गीली हो जाती थी, फिर मैं क्या करती थी, मैं तुमको अपना सुखा में सुला करके गीली में सो जाती थी, फिर अगर उधर फिर अगर टाटी पेशाब कर दिया फिर करपट लेकर के दूसरे तरफ में मैं सो जाती थी, ऐसे सही कितने दिन तक हमने तुम्हारी टाटी पेशाब को हमने साफ परिष्कार किया, इसलिए एक रात का मैं हिसाब लगा लगा, अब तो बहुत हिसाब है। बस फिर जो बेटा था ना बुद्धि सही हो गई, उसका बुद्धि एकदम सही हो गई, उसने फिर मैया को चरण में गिर पड़ी, गिर कर बोले मैया तुम्हारी ऋणी कभी मैं चुका नहीं सकती हूँ, इसलिए बोली जगत में आओ तो हम सबके सब
इसलिए देवर्षि भूताप तन्त्रिणाम पितृणाम नाय मणि च राजन। फिर जो छठवां ऋणी है कहते राजा ऋणी है, राज ऋणी है, इसलिए अगर राजा नहीं रहेगा जल्दी अराजकता फैल जाएगी, इसलिए कहते छह तरह का ऋणी से मुक्त होना पड़ेगा। लेकिन केवल मैया की ऋणी छुटाने के लिए कोशिश कर तो बड़ा कठिन, फिर सबका ऋणी रह गया। लेकिन यहाँ पर कहते अगर कोई ठाकुर जी की शरण में संपूर्ण आ जाए, ठाकुर जी की शरण में अगर कोई सचमुच से आए, ठाकुर जी का अगर सचमुच से 100% होना चाहिए, अगर ठाकुर जी की शरण में कोई आ जाए ना, फिर भगवान उसको सारे ऋणी से मुक्त करा देते हैं। क्योंकि अगर एक बेटा अगर भक्ति करता है, सही सही भक्ति करेगा, उसको मैया पहले जाएगी वैकुंठ, बेटा पहले नहीं जाएगा, उसको माँ पहले वैकुंठ ले जाएगी। इसे ध्रुव महाराज जब जाने के लिए तैयारी, बोले मेरी माँ कहाँ गई, बोले क्यों, बोले मैया की कृपा से आज मैंने भजन किया, मैया को लिए बगैर वैकुंठ नहीं जाऊँगा। बोले तेरे जैसे बेटा जिस कुल में जन्म लिया, देख तेरे मैया पहले वैकुंठ जा रहे, उसको पीछे तो पीछे पीछे जा रहे, आगे नहीं, पहले माँ उसके बाद में तू जा रहे। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न, इसमें एक प्रश्न था का बंधा जगत में वास्तव रूप में रास्ता किया है, तो इसका उत्तर में श्री युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, बोले वेदा विभिन्ना स्मृतय विभिन्ना नासो मुनिर्चस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्व निहित गुहाया महाजेन जेन कत्तस बंधा। बोले वेद अलग अलग वेद है, स्मृतय विभिन्न स्मृति शास्त्र भी अलग है, बोले नासो मुनिर्जस्य मतव न भिन्न। भारत में देखना कपिल व्यास और कितने कितने सब ऋषि लोग आए, सबके अलग अलग ग्रंथ है। लेकिन कहते जो धर्म से तत्व निहित हुआ है, जो वास्तव रूप में जो धर्म का रास्ता, ये बड़ा गोपनीय है। हाँ, ये बड़ी गोपनीय है। बोले भैया ये गोपनीय कौन सा रास्ता, बोले महाजन चेन कथ सब कथा, पथ एक है पथ बहुत नहीं, मना करते थे। हाँ, ऋषि मुनियों ने अलग अलग कोई के बोल दिए, लेकिन बोलने पर भी वास्तव रूप में जो महाजन, बोले कितने महाजन है, कितने बाबा सब पंडित है, अच्छी बात बताओ तो कौन कौन बारह महाजन जो बोल देगा उसको इनाम होगा, कुछ बोल देंगे सारे नहीं। कुछ तो बोल देंगे, भीष्म पितामह, व्यास जी और बलि महाराज, देखो एक श्लोक है, एक श्लोक है, अगर उस श्लोक की याद कर लो ना, बारह महाजन का नाम अपने आप उसमें आ जाते। ये कौन कह रहे हैं, नहीं यम महाराज कह रहे हैं, ये यम महाराज अपने दूतों को, जगत में हम बार महाजन है, बोले स्वयं भो है, ब्रह्मा नारद शंभु शिव कुमार कपिल मनु बलि व्यास की अद्वय, उसमें बताए हम बार महाजन है। इसी रास्ता पर जो गए हैं, बोले इन लोगों ने जिस मार्ग पर गए, उसी मार्ग में अगर जाओगे ना, सीधा भगवत चरणों को प्राप्त होगा। इसी मार्ग में जो जो आए, जैसे हमारे गोस्वामी वर्ग चार्य आचार्य इसी मार्ग पर गए हैं, अगर इसी मार्ग पर जाओगे तो जरूर एक दिन भगवान प्राप्ति हमारी होएगा, भगवान जरूर तुम्हें ठाकुर जी मिल जाएगा। इसलिए बोले महाजन जेर गता, इसलिए जो चार जो वैष्णव संप्रदाय है, ये जो चार जो वैष्णव है, सबके सब महाजनों का मार्ग पर आए, अपना कोई इनकी मतवाद नहीं। इन लोगों ने पूर्व पूर्व आचार्यों ने पूर्व पूर्व जो भक्त लोग जो भगवत प्राप्ति किया है, उसी मार्ग को ये लोग अपनाने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर बोले इसलिए संप्रदाय को सृष्टि किए, जब तो कोई भी सही रास्ता नहीं होगा, फिर तो सब अपना अपना मनमान ढंग चलना शुरू कर देंगे। बोले नासो मुनि जैसे मतलब न भगनम, ऐसे कोई मुनि नहीं जिसका मत ही अलग नहीं, लेकिन ये संबंध नहीं, ये गलत है, गलत रास्ता एक है जिसमें शुद्ध वैष्णव लोग जिस मार्ग में गए। इसलिए जो चार जो हमारे जो आचार्य आए हैं, रामानुज मध्व विष्णु स्वामी भक्त, ये सब के सब प्रॉपर रास्ता पर आए, और उसमें एक श्री रामानुज आचार्य है। रामानुज मतलब क्या, बोले राम के जो अनुज, राम का अनुज कौन है, लक्ष्मण, शेष श्री लक्ष्मण है। इसलिए उन्हें जब जन्म हुए, जब उन्हें जन्म हुए
इनके लक्षण को देख करके हैं जैसे शैल पूर्ण थे इनके केवल लक्षण को देख करके इनका नाम लक्ष्मण रख दिया। ये श्री लक्ष्मण इनका नाम रखा है, इसलिए स्वयं लक्ष्मण ही इसी परंपरा का स्वयं आचार्य श्री लक्ष्मण है। आज इनकी तिरुभावृत्ति है, हमारे भक्त लोग थोड़ा थोड़ा कुछ बोले थे, फिर मैं भी थोड़ा बता दूँ, ठीक है? हाँ किस बात मना चाहिए अब लोग भी सब कथा भी याद रखा, ठीक है ना? सब कथा मैंने बताया था पहले, केवल यहाँ कथा नहीं सुनी सबको गुरु बना, जो टीचर है ना इसको छात्र नहीं बनाते, सबको उन्होंने सबको वो टीचर बना देता है, जो पढ़ने वाले एक दिन तो वही टीचर बन जाते हैं ना, इसलिए आप कोई छात्र नहीं बनना, सबके सब टीचर बन जाना और महाप्रभु भक्ति को सर्वत्र प्रचार करना सबके सब। गुलाबी गोविंद चंद्र है राधिका है तदाल कृष्ण है कृष्ण चैतन्य नाम ने गौर जिसन पांचा गंगा त्रिवेश के पास उपनय विषय प्रतिकार और पावन जो वैष्णव विभव नमो नमः सत्संग है ले अस्मदेव गुरु पाद पद्म और परिव्राजक का चरित्र देने स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत हम तक सिद्धर को स्वामी गुरु महाराज के चरण कमलों में कुछ बैठने तो नाम दर्शन कर पाऊंगे तदुपरांत सुर वैष्णव के चरण बंधन करते हुए उनके मन की कृपा कामना करता हूँ आप सभी भक्तों के चरण में मेरे सभी धर्म प्रणाम चाहिए। गुरुदेव का आदेश है आज श्री रामानुजाचार्य की हीरो महोत्सव के ऊपर उत्पन्न कुछ अपने वाणी को पवित्र करने के लिए उनकी शिक्षा को स्मरण करूँगा। भगवान कृष्ण के अहेतु की कृपा है हमारे हम लोगों के ऊपर। अहेतु का मतलब यह है कि एक व्यक्ति दिल खोल करके कुछ देता है, बेवजह देता है और देता रहता है, उसमें कोई वजह नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान हम लोगों के ऊपर ऐसी कृपा कर दी है, बिल्कुल ऐसे बेवजह हम लोगों को दे रहे हैं और भगवान खुद कैसे देंगे? भगवान तो खुद का भी खुद नहीं है ना, भगवान तो भक्त का, हम भक्त पराधीन है या स्वतंत्र है, जैसे ब्राह्मण मैं तो अपना खुद का मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं तो उन भक्तों को खुद को दे चुका हूँ। कितने भक्त हुए मीराबाई से लेकर के कलयुग में, कितने भक्त हुए तो चारों युगों में, कितने कल्प चले गए उनमें कितने भक्त हुए और सभी इतने बड़े बड़े वैष्णव भक्त हुए, भगवान कितने बार उनके चरण में बिक चुके हैं, तो मैं खुद को कैसे दे सकता हूँ? तो इसीलिए वो वैष्णव लोगों को भगवान को दे रहे हैं, देते हुए आ रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, परंतु वो पात्रता हम अगर उनके देने पर वो पात्रता नहीं ले पाए फिर हमारा कोई काम का वो नहीं है। जैसे पानी तो जैसे बारिश गिरती है कहाँ पे, पहाड़ की चोटी पे भी और इधर नीचे स्थल भाग में किसी गड्ढे में भी, परंतु वो पानी टिक जाती है कहाँ पे, स्थल के ऊपर जो गड्ढा है वो कहाँ पे, क्यों? क्योंकि उसके अंदर पात्रता है, वो कुछ धारण करने की शक्ति है उसमें। तो धारण करने की शक्ति अगर हम क्या है वो शक्ति लौल्यम केवलम, केवल क्या है उस हृदय में भगवान की हरिकथा सुनने की रुचि ही वो पात्रता है, वो गड्ढा है, वो धारण करने की पात्र है। अहितु की कृपा कर रहे हैं, बेवजह दे रहे हैं भक्तों के माध्यम से, बार बार उनकी तिथि पालन करने के लिए मिल रहा है। कल ऐसे ही एक संप्रदाय की आचार्य हमारे मध्वाचार्य जी हुए, उन्होंने जीवों को बहुत सुंदर तरीके से भक्ति बात को प्रचार किया, मायावाद को खंडन किया, कई सारे ग्रंथ उन्होंने रचना किया, 32,000 ग्रंथ उन्होंने रचना किया था। मध्वाचार्य जी जो थे 32,000 तो छोड़ो, 32 मैगजीन भी अपने जीवन में हम ठीक से पढ़ नहीं सके और हम 32,000 ग्रंथ रचना करने के बाद उन्हें जो भगवान की त्रिपद विभूति है उस धाम के जो संदेश को 32,000 ग्रंथ में उन्होंने प्रणयन किया। जैसे कहते हैं ना इस दुनिया में एक चौथाई क्या है, थल है और तीन चौथाई क्या है,
उसको बोलते हैं भगवान की, वहाँ हमारे शास्त्र भाषा में त्रिपद विभूति, भगवान की विभूति अगर एक होता है तो उसके तीन भाग है भगवान का धाम, एक भाग है भगवान की जड़ जगत। तो ये एक पद है, वो त्रिपद है, उस त्रिपद विभूति के सारे ज्ञान को उन्होंने लिपिबद्ध किया 32,000 ग्रंथ के माध्यम से। परंतु देखा कि ये जीव कलयुग की जीव है, किसी काम का नहीं है। जैसे फोन है, फोन तो फोन में बहुत कुछ है परंतु सीखता तो वो हमेशा गलत चीज ही। इसी प्रकार से उन्होंने क्या किया, उसको गाड़ दिया एक जगह पे। आज भी एक अनंत देव वहां पे उनको देख रहे हैं, देख रहे कर रहे हैं। उनमें कई सारे ऐसे प्रबंधामृत जैसे ग्रंथ है, कुछ ग्रंथ है जो कि आज भी प्रकाशित। तो ऐसे ही श्री रामानुजाचार्य जी जो है, बचपन में इन्होंने जैसे कल हमने श्रवण किया था कि जैसे मध्वाचार्य की माता पिता भी बहुत प्रार्थना किए और 7-8 साल तक वायुव्रत केवल दूध पी पी करके कि हमारे एक ऐसा बालक हो जो कि अमर रहे, और ऐसे ही उन्होंने प्राप्त किया था। ठीक इसी प्रकार से आज जिनकी तिथि, उनके माता पिता भी यही कामना किया था कि प्रभु हमारे कि एक ऐसा लड़का हो जो कि अलौकिक लीला को प्रदर्शित करे। तो रामानुजाचार्य जी हुए, और रामानुजाचार्य जी बाद में उनके उनके जो माता जी थे, जो उनके पिताजी का नाम था केशव आचार्य और माता का नाम था कांतिमती। तो वो कांतिमती के एक भाई थे, वे एक वो थे एक शुद्ध संप्रदाय के शिष्य, यमुना आचार्य थे उनके शिष्य थे। तो उन्होंने वहां पे आए, देखा कि आज मेरे बहन के यहाँ पे लड़का जन्म हुआ है, बड़े ज्योतिष थे, अच्छे वो था, उनको ज्ञान था। तो वहां पे आकर के देखा कि उनकी नाड़ी जब देखा, उनकी जो हस्त रेखाएं देखी, उनकी कुंडली निकाले, तो वो उनके जो अंदर की जो लक्षण है, कुछ अप्राकृत लक्षण उन्होंने देखा। और जब तुलना किया कि जगत में ऐसे अप्राकृत गुण तो किसी के साथ मिलता नहीं, तो उस अप्राकृत जगत की किसी व्यक्ति के साथ मिलता होगा। तो उन्होंने देखा तो भगवान श्री राम के जो छोटे जो भाई हैं, जो कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण जी हैं, उनके साथ उनका गुण मिल गया। तो इसी प्रकार से उनका नाम शुरू से लक्ष्मण रखा गया। बड़े हुए धीरे धीरे शास्त्र के ज्ञान ग्रहण करने के लिए एक मायावादी गुरु, कल आप लोगों ने श्रवण किया था मायावादी क्या है, जिनके मत भगवत बुद्धि से अलग है, जहाँ पे सेवक सेवक की कोई भाव नहीं है, जहाँ पे सब कुछ ब्रह्म है, सब कोई भगवान है, सारे वस्तु ब्रह्म है, जो भी आप पहनते हो खाते हो जो भी आप हो सब कुछ ब्रह्म है, बस ब्रह्म का एक स्वरूप दे दिया गया कि वो मनुष्य जीव जंतु पेड़ पौधे इत्यादि बन गया। तो ये जो मत है इसको उन्होंने जो प्रचार कर रहे थे, जो शंकराचार्य है उनके एक शिष्य थे यादव आचार्य, इनके यहाँ पे वो रामानुजाचार्य आए और बचपन में इनके पास रह करके वेदांत सूत्रम और जितने भी उनके पास रह करके शास्त्र के अध्ययन करने लगे। एक दिन के बात है कि वहां के राजा की एक बेटी थी जिसको कि ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया। जो ही पकड़ लिया तो इन्होंने क्या किया कि ये जो यादव आचार्य थे वो उनको वेद के बहुत से मंत्र याद था, इसीलिए जो राजा था ये यादव आचार्य को बुलाया कि आप आइए कुछ करिए। तो इन्होंने बहुत वेदों की जो गुड़ जो वो है जो कि प्रयोग किया जाता है किसी भूत पिशाच इत्यादि को छुड़ाने के लिए, भूत पिशाच ये जो भूत है पिशाच है बेताल, इनके ऊपर भी जो है ब्रह्म राक्षस जो सबका मतलब भूतों के ऊपर जो बादशाह है, ये जो भूत की योनि मिलता है ना इसी भूत योनि में जो साधन कर लेते हैं और करते करते वो बहुत बड़े बन जाते हैं। तो वो आखिरी स्टेज है ब्रह्म राक्षस, वहां तक जब साधन करते करते पहुंच जाते हैं असलीनी में, तो वो ब्रह्म राक्षस उसने देखा कि कोई वेद का मंत्र इनके ऊपर काम नहीं कर रहा है, वो ब्रह्म राक्षस को किसी भी प्रकार से छुड़ा नहीं पा रहे थे। उल्टा ब्रह्म राक्षस हंसने लगा कि देखो कहां था तुमको पूरा 1,00,000 श्लोक याद है परंतु तुम उसमें सिद्धि है नहीं तुम्हारे पास, अरे तुम क्या मुझे करोगे, तुम्हें खुद को पता है तुम पहले जन्म में कौन थे, तुम एक गिरगिट जाति का कोई एक छोटा सा जीव था, तुम किसी भाग्य क्रम से तुम्हें वैष्णव की उच्छिष्ट प्रसाद झूठा प्रसाद खाने के लिए मिल गया था, तो आज तुम ब्राह्मण हो गए, इसलिए तुम ये जो ब्राह्मण है ना ये हमेशा वैष्णव इनका गुरु होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण के 12 गुण होते हैं और वैष्णव के 26 गुण होते हैं, इसलिए वैष्णव श्रेष्ठ है
और वैष्णव मतलब क्या है? विष्णु भक्ति, विष्णु उपासक। ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्रह्म अनुसंधान जो करता है, वो भी भगवान की भक्त होते हैं। परंतु अगर वो ब्राह्मण के अंदर वो ब्राह्मण तो नहीं रहे, वो ब्रह्म भावना नहीं रहे, तो वो ब्राह्मण होते हुए भी कुल से कोई ब्राह्मण नहीं होता अपने स्वभाव से। तो इसी प्रकार से तुम्हारे जो शिष्य है, कौन है? लक्ष्मण। उसका चरणामृत मुझे दो, मैं प्राप्त करके इस योनि को त्याग करके मैं मुक्त हो जाऊंगा, तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं है। अब गुरु तो अहंकारी थे, क्यों? क्योंकि अगर आप मायावाद के तत्व पढ़ोगे कभी, उसमें क्या है? अहम, सबसे पहले शिवो अहम। अहम क्या है? अहंकार है। अहम को एक क्या क्या दिया गया? स्वरूप दिया गया, तो वो अहंकार है। तो अहम हमेशा क्या है? वो गर्भी लोगों की भावना है। तो अहम है, मैं हूं, मैं सब कुछ करने वाला। भगवान इसलिए तो किताब बोले अहंकार अहंकार विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारी से उच्चत है। वो मिथ्याचारी है जो अहंकार में, वो विमूढ़ आत्मा जो है, वो आत्मा जो बिल्कुल मूढ़ है। तो यही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि वो गुरु थे तो मायावादी, इसलिए अहम भावना उनके अंदर था। तो तुरंत उन्होंने क्या किया कि उनके अंदर ईर्ष्या भाव आ गया कि मेरे शिष्य की चरणामृत लेकर के कोई ब्रह्म राक्षस उधर हो गया, मैं इतना बड़ा बड़ा वेद मंत्र उच्चारण करके कुछ नहीं हुआ। तो उनके प्रति वो ईर्ष्या भावना आ गया। करते करते ऐसे बहुत, जब उनकी अलौकिक बात प्रदर्शन हुआ ना, हमारे ना मंदिर में कोई एक बाबा, वो बाहर नहीं रहता था, बाहर रहता था मंदिर में नहीं, बाहर रहता था। एक दिन यमुना में स्नान के लिए गए, एकदम धूप है, चिलचिल, जहाँ पर लोग स्मशान घाट जहाँ पर लोग जलाते, वहाँ पर जब उसने स्नान करने के लिए गया, वो साइकिल में गया था। जब यमुना नदी में स्नान किया, उसको ऐसे लगा जैसे उसको साइकिल पर कोई भोजन कोई चीज रख दिया। वो तो हट्टे कट्टे था, 22-23 साल के हट्टे कट्टे था। बोले मेरे साइकिल पर कौन गया? कैसे को उठ गया, लेकिन सोचा भैया मेरे साइकिल पर कोई दबाया, और थोड़ी सी दो बार जब दुबा और थोड़ा ज्यादा जोर से जैसे दबाव आया, फिर उसने उठा, ये क्या मेरे सर के ऊपर दबा कर रहे? इतने में उसने क्या किया, जब तीसरी बार उसने स्नान किया, जैसे सर पर पत्थर रख लेते ना, ऐसे किसने पत्थर रख दिया, किसी तरह से उठ नहीं पा रहा है पानी से, हैं? किसी तरह से उठ नहीं पा रहे, किसी तरह से छटपट छटपट करते करते उठे, और कपड़ा छोड़ेगा क्या, वहां से भगा, उसने भगा और साइकिल लेकर के, और वहां पर गोपीनाथ बाजार है, वहां पर वृंदावन में जहां पर लोग पास में एक मंदिर में अकेला रहता था किसी, जब उसने वहां पर आया तो आचार्य के शरीर में बुखार आ गया, उनको पड़े तो उसको पड़ा गया। वो जब घर में आया, सारे ताला बंद, घर बंद, अकेला रहता था ऐसे एक मंदिर में अकेले, लेकिन जब दरवाजा खोला ना, देखा सीढ़ी के ऊपर में एक सुंदर एक लड़की बैठी, 16-17 साल की, बड़ी प्यारी एक सुंदर लड़की बैठी। वो तो देख कर, भैया ये लड़की इतने सुंदर कहाँ से आ गई? बोले तू कहाँ से आ गई, क्या बात है? उसने ऐसे करते करते, उसका कोई दोस्त आया, देखो कहीं गायब हो गई। फिर उसने जब सोने के लिए गया, देखा उसको सर पास में फिर बैठी हुई। फिर उसने बोलने लगे, देखो पहले जन्म में ब्राह्मण घर की लड़की थी, लेकिन किसी लड़का को उसमें प्रेम करता थी करती थी, लेकिन वो लड़के ने मेरे को धोखे दिए, धोखे दिए तो मैं दुख से बस में जब लोग वृंदावन देखने के लिए मैं आई, लेकिन कैसी घाट पर मैंने आत्महत्या की, आत्महत्या की, तो मैंने प्रेत जन्म प्राप्त किया। इसलिए देख मैं तेरे को प्रेम करती हूँ, इसलिए तेरे साथ में आई हूँ, किसको बोलना नहीं करोगे तो तेरे मार डालू। इसकी बहुत लंबी घटना है, पूरा एक सिनेमा बन जाएगी, लेकिन जी नहीं, उसने कभी उसके पास में खाना रख देगा, कभी पैसा रख लेगी ला करके, इतनी इतनी घटना जो सोच नहीं सकती। जब बहुत ज्यादा उसको परेशानी करने लग गई, एक दिन तो इसने भयंकर रूप दिखाया, वो तो बेहोश हो गया पूरा। और हमारे मंदिर में जो परमेश्वरी प्रभु है ना, अपना परमेश्वरी प्रभु, उन्होंने आए उनको किसी भक्त ने उसको बुलाया, बुला करके किसी तरह से ले करके, फिर उन्होंने हरे कृष्ण गोपाल मंत्र को द्वारा पानी छिड़कवाया, किसी तरह से चेतना की। फिर उन्होंने बोले, वो प्रेत को तुम पूछो, जब रात को रोज रात को आती तो सोती थी उसके पास, बोले आज जब प्रेत आए उसको पूछना, क्या तेरे को मुक्ति होने की कोई इच्छा नहीं है? क्या तू ऐसे ही जीवन जिंदगी भर ऐसे प्रेतात्मा रहोगे? तेरे लिए हम कुछ कर सकते हैं? आकर पूछना। फिर जब रात फिर आए, जब फिर आई, फिर उसने पूछा, क्या तेरे को मुक्ति पाने का कोई इच्छा नहीं तुम्हारी? चाहती नहीं मुक्ति मिले? कहता हाँ चाहती हूँ मैं मुक्ति मिले। बोले बताओ तेरे लिए हम क्या कर सकते हैं? बोले तुम्हारी गुरु जी की चरणामृत दे दो।
ये तेरे गुरु जी की चरणामृत दे दो। उसी चर बोले और किसी वैष्णव का बोले नहीं तुम्हारे गुरु जी की चरणामृत। बोले गुरु जी की चरणामृत गुरु जी तो बंगाल में ही वृंदावन ही घटना फिर ब्रेक बोलती है। बोले तुम्हारे मंदिर में एक बाबा जी महाराज है हाँ इसलिए बाबा जी महाराज हैं। जब गुरु जी बहुत साल पहले आए थे उन्होंने उनका चरण धो करके उनके चरणामृत की बोतल में खाट को नीचे रखा उन्होंने सब कुछ बता दिया वहीं पर रखा हुआ। देख वो चरणामृत जहाँ पर मैंने तेरे तेरे शरीर पर लग करके आई थी एकदम शाम का समय में एक पात्र में ला करके रखकर चला जाना। रख करके जब जाओ तो घूम करके देखना नहीं तेरे में आ जाओ तेरे नहीं देखना। फिर उसने ऐसे किया है उसको उसने बोले इसको बाद में फिर मेरी मुक्ति मिलेगी फिर मैं इंसान बन करके आऊँगी। और कुछ अच्छी अच्छी बात उसने बता कर दी। यहाँ पर देते जब तक किसी वैष्णव का कल सुन रहे थे ना जब तक किसी शुद्ध साधु की चरण धूलि में अभिषिक्त नहीं हो गया ना भगवत भक्ति नहीं मिलने वाली। भक्ति तभी मिलेगी जब इस शुद्ध वैष्णव की अनुगत चरणामृत में इतनी शक्ति सचमुच वो कड़ी तरह सारी बात बता दी। बोला अगर उसकी चरणामृत मेरे को दे दोगे ना मेरे को मुक्ति मिल जाएगी लेकिन तेरे मंत्र भी काम नहीं करेगी क्यों वो ब्रह्म दैत्य है वो सबसे बड़े राक्षस दैत्य में भूत में सबसे बड़े उसको श्रेष्ठ भूत मानी है। उसको भी बताया देखो अभी तुमने ब्राह्मण घर में जन्म कैसे हुआ अरे रामानुज आचार्य जी का संग कैसे मिली है। बोले कोई एक वैष्णव प्रसाद बनाया और उसने ठाकुर को भोग लगाया जब ठाकुर को भोग लगे पहुंच जाते हैं प्रसाद फिर वही प्रसाद जब किसी साधु ग्रहण करता है तो महा महा प्रसाद हो जाता है। इतने में तुमने हैं वो प्रसाद को पा करके साधु ने किया किया पानी में फेंक दिया पतल जैसे फेंक देते हैं। जब फेंक दिया तो एक मगरमच्छ था पूर्व जन्म में एक मगरमच्छ रूप में था और तुमने उसने जो पतल फेंक दिया तुमने वहीं पर तुम था और पतल फेंकते ही दो एक है उसका प्रसाद तुमने खा लिया ना अगली जीवन में इसलिए अभी तेरे को केवल एक वैष्णव का प्रसाद से तुम्हारे जीवन परिवर्तन हो गया। अभी रामानुज आचार्य जैसे साधु का संग मिला और तो ब्राह्मण ने जन्म लेंगे प्रेत की बात स्वयं बताया प्रेत स्वयं बताई फिर चरणामृत लेकर वो प्रेत ने राज जो कन्या थी राजा कन्या के ऊपर प्रेत आई थी फिर वो प्रेत ने प्रणाम करते हुए राज चली गई। मतलब इनकी प्रभाव बड़ी अद्भुत प्रभाव है। तो इस प्रकार से मोहत पाद रजो भी सैकम जब तक मोहत मतलब बड़ महान पुरुष जो जो भगवान के भक्त है उनके पादों की धूलि से खुद को अभिषिक्त नहीं करोगे। अरे भाई छोटा बनना ही तो हमारे संप्रदाय का वो है तो इसीलिए रामानुज आचार्य फिर बाद में वही यादव आचार्य ने इनकी बहुत अलग अलग सिद्धांत है उसके ऊपर बहुत लीलाएं भी है समय नहीं है मैं तुरंत बोलो क्या कर रहे थे उसको एक बार उनके एक शिष्य उसने पूछा कि भगवान की नेत्र नहीं भगवान की हाँ कप्यासन कप्यासन का मतलब क्या है पुंडरी पुंडराख ईव अखिली ये एक कदिये तैतरीय उपनिषद का एक ये मंत्र है तैतरीय उपनिषद के मंत्र है। उनका कोई शिष्य रामानुज आचार्य उसी समय गुरुजी की गुरुजी मतलब दीक्षा भुखुर नहीं वैसे जिनको पास में उन्होंने सारे ग्रंथ शास्त्र को पढ़ने के लिए आए थे गुरु जी की सेवा कर रहे थे करते समय एक शिष्य आए बोले गुरु जी ये मंत्र का मतलब क्या होगा। तो वो गुरु जी तो ब्रह्मवादी भगवान को जो निराकार निर्विशेष मानते हैं भगवान को स्वरूप को मानने वाले नहीं और जो शास्त्र का जो सही अर्थ है वो एक शुद्ध भक्तों का हृदय में ही प्रकाश होता है सबके हृदय में नहीं। अगर कोई बोले हम क्या कम जानते हैं लिखा ही पढ़े हम इतना जानते हैं हम क्या गुरु जी के पास में जाने का क्या जरूरत अपने आप पढ़ करके समझ लेंगे भैया कुछ भी नहीं समझ पाओ। देखो कैसे वो इतने बड़े विद्वान रामानुज जिसको पास में पढ़ने के लिए आए लक्ष्मण जिसको पास में इस समय बड़े विद्वान थे प्रखर विद्वान देखो अर्थ कितने गलत अर्थ उसने लगाया। बोले गुरु जी ये सूत्र का अर्थ है उसका था कप्यासन पुंडरी पुंडरिक ईव अक्षेण उसका शब्द था। बोले गुरु जी इसका मतलब क्या होगा। बोले कप्यासन मतलब कपि कपि मतलब होता है बंदर बंदर को कपि कहते हैं आसव मतलब उसका जो आसर मतलब जो बंदर का जो पश्चात भाग देखा ना बंदर को जो छोटे छोटे बंदर घूमते हैं उसको पश्चात भाग देना लाल लाल दिखती है
कहते कुंडली वो ईव अक्षिणी, कुंडली के मतलब भगवान ही, उनका आंख कैसे है, वो बंदर का जो पीछा पश्चात भाव जैसे लाल ऐसे शिष्य को बोल दिया, बंदर का पीछा जैसे लाल ऐसे रंग। लेकिन रामानुज लक्ष्मण स्वयं, ये तो लक्ष्मण लाल है, वो कहाँ सहन कर सकते मेरे प्रभु का जो नयन है बंदर का पश्चात भाग का जैसे, उसको सुन करके ना वो इतने दुखी हो गए। और गुरु जी से क्या बताए, इतने में वो रो रहे थे। अब देखना दो तरह का रोना होता है, एक हंसना, हंसने में भी रोना आती है और दुख में भी रोना आती है। अब देखना हंसते समय जो आंखों से आंसू आएगी ना वो ठंडा होगा, लेकिन अगर दुखी होकर के आप रोगे वो ठंडा नहीं, वो गर्म होता है। पर अद्भुत चीज है, वो दुखी होकर के रो रहे थे, आंखों से आंसू गिरा तो गुरु जी को ऊपर तो गर्म गर्म गुर्द चौक उठे, देखा ये रो रहा है। बोले बेटा रो रहे क्यों, क्या कारण हो गया, तू रो रहे क्यों? बोले गुरु जी अब की ये सूत्र का व्याख्या सुन करके मेरे हो रहा है। तो गुरु जी ने बड़े डांट लगाए, बोले ये और कोई अर्थ हो सकता क्या, मेरे से भी बड़ा पंडित कोई है, मेरे से कोई बड़ा पंडित है, इसका तो सीधा अर्थ कप्यासन कपि बंदर का जो आसन पश्चात भाग जैसे। बोले गुरु जी अगर आपका आदेश है मैं थोड़ी बोल सकता हूँ। बोले बताओ। तो गुरु जी सोच रहे थे शायद ये व्याकरण संगत नहीं होगा, हाँ ये व्याकरण संगत नहीं होगा, आप लोग संस्कृत पढ़े हो, कपि युक्त आसनम ई और अ मिलकर के यह हो जाता है, इसलिए कप्यासन। उसने बोले शायद व्याकरण संगत नहीं होगा, उन्होंने क्या उन्होंने संस्कृत भाषा बोले, कब का मतलब होता है पानी है, कद पीबती पी मतलब पीबती जो पानी को जो पान करती है, बोले कौन, बोले सूरज है, हाँ आसम है, आस 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 मतलब होता है आसो प्रस्फुट ऐसे कुछ है, इसलिए उन्होंने बोले जैसे सूरज का किरण गिरने पर जब कमल का फूल कब खिलती है, सूरज का किरण गिरने पर तब कमल का फूल खिल जाती है, इसलिए भगवान की जो नेत्र है कैसे, बोले कमलम अक्षरम, भगवान की जो आंख है कमल फूल जैसे भगवान की आंख, इसलिए बताया नेत्र कमल, मुख कमल, हस्त कमल, चरण कमल, नाभि कमल, सब भगवान को सारे अंगों को कमल 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 बताया। इसकी संस्कृत भाषा की व्याख्या सुन करके इतने गहरा भाषा था, इतने गहरे अर्थ था, गुरुजी का दिमाग चकरा गया और उसको शिष्यों के सामने ये अपदस्त हो गए। हे भगवान, ये तो गुरुजी ब्रह्मवादी थे, भक्त नहीं थे, भगवान को निराकार मानने वाले, गुरुजी तो समझ गए भैया ये बड़े बन करके ना ये मायावाद शंकर संप्रदाय के बहुत बड़ा विरोधी बन गया और हमारे संप्रदाय को तसनस कर देगा। फिर ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये एक सूत्र भी है, ये सूत्र को भी किसने गुरुजी को पूछा, गुरुजी ने जो उसका व्याख्या की, इसने जो व्याख्या की इसको, गुरुजी की व्याख्या को पूरा अपने खंडन मनन करके उनने भगवान की सूत्र भक्ति करके व्याख्या की। गुरुदेव देखा भैया चेले को सामने में अपदस्त हो रहा हूँ, ये चेले मेरे सारे बात को खंडन कर रहा है, ये तो समझ गई भैया एक दिन इसने सत्यानाश कर देगा हमारी संप्रदाय की, इसलिए उसने चांद से मारने के लिए कोशिश की, बल उसको चांद से मार डाले, बल कैसे चांद से मार डाले। फिर उन्हें बोले, उन्होंने शिष्यों के साथ परामर्श किया, हम तीर्थ यात्रा के लिए त्रिवेणी जाएंगे, हैं त्रिवेणी हम जाएंगे, वहां पर स्नान करने का उद्देश्य से जाएंगे और जाकर तो बीच में जंगल देख रहे जाएंगे, वहां पर तो बाघ चीते सब होते, बस वही पर उसको खिलाकर कर्तव्य करके आ जाएंगे। फिर उन्होंने तीर्थ यात्रा की बहाना बनाए और इनको भी साथ में लेकर गए। लेकिन इनके एक मासी का लड़का था जिसका नाम था गोविंद, इनको धीरे धीरे पता चला षड्यंत्र से, बोले भैया ये तो इनको मारना चाह रहे। इतने में वो आ करके, उसने आ करके ना इनको कान में बोले, बोले रामान तुम जानते हो क्यों तुमको हम क्यों त्रिवेणी त्रिवेणी नहीं जा रहे, गलत तेरे को मारने के लिए इस षड्यंत्र करते हुए यहाँ पर आए, इसलिए तुम चीज जान लेकर यहाँ से भाग जाओ नहीं तेरे को मरवा डालेंगे। इन्होंने क्या किया, चलते चलते थोड़े से पीछे हो गए, पीछे होकर उन्होंने वहीं से खिसक गए। जब खिसक गए अभी घना घोर जंगल जाएंगे कहाँ, उनको बड़ी प्यास लग रहा था, इस जंगल में भटकते भटकते तो हो गया शाम, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, इतने में स्वयं लक्ष्मी नारायण वहां पर आए,
क्योंकि उन्होंने जगत में लक्ष्मी नारायण का भक्ति को ही जगत में प्रचार करना चाहता थे, इसलिए वहां पर स्वयं लक्ष्मी नारायण रूप बदला करके वहां पर दो ब्याह बहनिया होता है ना, बहनिया और पत्नी बनकर वहां पर आए। जब वहां पर उनको देखा बोले भैया ये कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बोले भैया मैं कांचीपुर जाना चाहता हूँ, हमारे साथ में आओ। जब वहां पर गए थोड़ी दूर गए, अभी इतने में जो उनकी दंपति पत्नी थी बोले मेरे को प्यास लग रही है थोड़ा पानी पिलाओ, है जरा पानी पिलाओ। तो उन्होंने जब गए एक वहां पर सरोवर था सुंदर एक सरोवर, वहां पर तीन बार उन्होंने पानी उनको पिला करके पिलाया। जो चौथा बार में लेने के लिए गए ना, देखा दोनों बहन गायब हो गए। जब गायब हो गए देखा भैया वो जहाँ जाना चाह रहे थे कांचीपुर में वो वहीं पर अपना मतलब वो स्वयं ठाकुर जी उनको लेकर के अपना कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे अपना घर में छोड़ दिए उनको। फिर उन्होंने अपना गुरुदेव को बोले, गुरुदेव ने कहा देखो ये जो दंपत्य ब्याह और उनकी पत्नी वो और कोई नहीं, ये साक्षात लक्ष्मी नारायण ने उनको ला करके यहाँ छोड़ दिए और यहाँ का पानी तुमने पिलाया ना, अभी ठाकुर जी को यही पानी जो वरदराज जो ठाकुर जी बोले इसी पानी से तुम अभी ठाकुर की नित्य सेवा पूजा करो। तो उन्होंने उसी पानी से उनकी नित्य सेवा पूजा करते थे। इस प्रकार से रामानुजाचार्य जो लक्ष्मण थे उस समय उन्होंने इस प्रकार से लक्ष्मी नारायण के दर्शन किया और फिर आगे बढ़े। परंतु जो यादव आचार्य थे वो तो आगे चले गए थे, उनको पता चल गया कि भाई ये तो चला गया इसको खा गए होंगे, परंतु किसी सूत्र से उनको ये पता चला कि नहीं अभी भी वो जीवित है। तो ढूंढते फिरते वही घूम फिर के आए और उनको लेकर के आ गए फिर अपने आश्रम में और बोले कि चलो जो कुछ हुआ है अब तुम यहीं पे रहो कपट भावना से। तो उनको ऐसा बोले, पर रामानुजाचार्य तो कोई साधारण थे नहीं अंतर्यामी, उनको पता चल गया कि चलो इनका उद्धार भी करना है, इसलिए वो वहीं पे रहे और अपने अलौकिकता की कई ऐसे लीलाएं प्रदर्शन करते करते जब उनकी प्रभा तेज और हो रहा था, इनके जो माँ थे जो यादव आचार्य उनके जो वैसे गुरु जो मुंबली गुरुद है जिनके पास रह करके वो शास्त्र पढ़ते थे, इनकी जो माँ थी उनके मत थोड़ी भक्ति की और रुझान थी। तो इस प्रकार से उन्होंने बोले कि देख लक्ष्मण देख यादव तू क्या कर रहा है, ये जो लड़का है ये कोई साधारण है नहीं, इनके लक्षण से ये महापुरुष लग रहे हैं, तुम इनके चरण के आश्रय लो। और उसके बाद उनका मन ऐसा परिवर्तन हुआ कि वो गुरु आकर के जो लक्ष्मण जो थे रामानुजाचार्य उनके शिष्यत्व ग्रहण किया। पहले तो क्या थे गुरु थे, अब जिसके गुरु थे उनको ही गुरु बना लिया बाद में। तो इस प्रकार से वो जो बलभद्र जो मूल संकर्षण है जो रामानुज है उनके चरण में भी उन्होंने आश्रय लिया। इनके जीवन ऐसा है कि इनके जीवन को कोई भी सुनता है ना, वास्तव में इन्होंने एक सद शिष्य के रूप में और एक सद गुरु के रूप में इतने लीलाएं की कि कोई व्यक्ति भी इसको सुने उसको जल बिल्कुल गुरु जी के चरण में प्रीति होएगा ही होएगा। एक व्यक्ति था रंगम क्षेत्र में, श्रीरंगम क्षेत्र में, जो कि बहुत बड़ा पहलवान था और उसको जितने भी आसपास के गांव और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सब डरते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा पहलवान था, किसी को भी उठा के पटकने में वो समर्थ था। एक दिन क्या हुआ कि जहाँ पे जो रंगनाथ जी जो है श्रीरंगम क्षेत्र में जो मुख्य मंदिर है वहां पे आप देखे होंगे कि वहां पे जो श्रीरंगम में ठाकुर जी के जब पट खुलता है, हम कभी अपना पीछे से या ठाकुर जी को दाएं तरफ रखे हुए हैं और पट खोल दिया, ये नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि एक बार पट खुलने वाला था, ये एक जो पहलवान था जिसका नाम था धनुर्धर, ये धनुर्धर क्या किया वहां से एक वैश्य के प्रति आसक्त था बड़े दिन से, और जब वो वैसे कहीं पे भी चल के जाती थे ना ये पूरा उसको सामने रख करके उल्टा उल्टा चल करके उसके आगे आगे चलते हुए जाता था। तो उसमें इतना वो आसक्त था कि उसके रूप के बगैर वो रह नहीं सकता था। आप समझ रहे क्या बोल रहे, जैसे जो जो वैसे थी वो देखने में बड़ी प्यारी बड़ी सुंदर थी, इतने वो आसक्त इतने आसक्त था जैसे अगर ये दोनों जाएंगे ना वो क्या करेगा, वो वैसे के सर के ऊपर स्वयं हाथ से छत्र धारण करेगा, और जैसे दोनों चलेगी वो वैसे जैसे ऐसे चल रही है और वो रास्ता में पीछा कर देगा और उसको मुंह को देखते देखते छतरी ऊपर धारण करेगा, उसको मुंह को देखते देखते पीछा पीछा चलेगा, वो वैसे ऐसे ऐसे चलेगी वो रोड की तरफ में पीछा कर देगा, पीछा करके उसको मुंह को देखते 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 चलेगा।
और उसकी डर से वो बड़ा पहलवान था, कोई किसी को हिम्मत नहीं होता कुछ बोलने के लिए, क्यों वहां के सबसे बड़ा पहलवान वहां पर था, इसलिए वो इतने आसक्त अपना बीवी के ऊपर भी इतने वो आसक्त था। कामतरम की भयम किम न भयम, कहते हैं जो कामी व्यक्ति होता है ना उसको कौन सा भय है, जब भी कोई काम सताता है एक व्यक्ति सोच भी नहीं पाता, उसके सारे बुद्धि के रास्ते बंद हो जाते हैं, तो क्या भय है, और वो पीछे पीछे आगे गड्ढा है कहीं पे गिर जाएगा कि कहीं पे ठोकर लग जाएगी, कोई चिंता नहीं, तो इतने आसक्त हो गया था वो। तो करते करते वो वैसे जा रही थी मंदिर ठाकुर जी के दर्शन के लिए, अभी ये उसको सामने समक्ष होकर के पीछे पीछे चल रहा था, अब जो ही इधर को ठाकुर जी का मंदिर है, किसी ने दर्शन करेगा तो सीधा सीधा ऐसे ठाकुर जी के समक्ष होकर करेगा, वैसे तो ऐसा सामने खड़ी है, परंतु वो जो धनुर्धर कैसे खड़ा है उसको आगे करके, यानी कि ठाकुर जी को पीछे करके वैसे को सामने कर दिया, अब ठाकुर जी के पट कैसे खुले, तो जितने ब्राह्मण थे वहां पे सब चिंतित हो गए कि ठाकुर जी के कैसे पट खुले, इधर नहीं जा सकते, इधर खाई है इधर कुआ है तो जाएंगे कहां, तो उन्होंने देखा कि उस समय जो रामानुजाचार्य है बहुत प्रतिभाशाली थे, उनको बुलाया जाए, तो उनके पास गए तो रामानुजाचार्य वहीं थे, तो रामानुजाचार्य ने देखा कि इनके ऊपर कृपा करना बहुत जरूरी है, तो वे वहां पे आए और उनको आकर के बोले कि तुम ये क्या कर रहे हो, ठाकुर जी के पट खुलेगा तुम्हें पता नहीं, बोले अरे तुम्हारे उस ठाकुर में क्या रखा है, वो तो पत्थर की मूर्ति है, इसको देखो ना, देखो देखो कितनी सुंदर है, तो जो ये बात बोले तो बोले कि ठीक है तुम्हारे बात को मैं मान लिया, मैं भी देख लिया सुंदर है, ठीक है अब तुम मेरे ठाकुर जी को तो देख लो, बोले दिखाओ, बोले अब तो पीछा आप जैसे खड़े हो दिशा परिवर्तन कर लो, ठाकुर जी के समक्ष खड़े हो जाओ फिर ठाकुर जी देखोगे, तो वो पीछे करके खड़े हो गए, जब ठाकुर जी के समक्ष किए इतने में पट खुला, वो देखा, बोला देख लिया, बोले कुछ हुआ, बोले नहीं, ये तो कल हमने श्रवण किया था ना, इनकी चरणामृत से इनकी अधरामृत से इनकी अधरामृत में इतनी शक्ति, अभी भी गुरु जी ने बताया कि इनकी चरणामृत की क्या शक्ति, कल आप लोगों ने सुना था इनके चरणामृत से वो कामी व्यक्ति की कामना उनके अंदर से दूर हो गया, दोबारा ही लीला कर रहे हैं, यही चीज को उन्होंने दिखाया कि देख ये है मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर है, जो कहते हैं ना कि आनंद आनंदमय विग्रह जो चिदानंद घन है वो ठाकुर जी है, और तू इनको देख, बोले मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं है, पत्थर को कैसे नजर आएगा, ये तो पत्थर है, हम लोगों के ऊपर भी वही माया की पट्टी पड़ी है, हमें भी ये लकड़ी पत्थर दिखते हैं, इसीलिए यही तो बात है कि कहीं पुराने ठाकुर जी है ना श्रद्धा नहीं होती, कहीं बड़े बड़े मंदिरों में जाओ तो वो वहां बहुत झकमक झकमक करके सजा देते हैं, और है, क्या ठाकुर जी के स्वरूप है, ठाकुर जी के स्वरूप को देखने के इतना अधिकार हमें हो गया कि हम कमेंट कर रहे हैं कि ठाकुर जी की क्या बढ़िया स्वरूप है, या तुम्हारे कमेंट में से ना करने से ठाकुर जी का स्वरूप परिवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ पे वो चीज उन्होंने बोला, तो रामानुजाचार्य ने अपने हस्त को उसके सर पे स्थापन किया, फिर जब उसने दोबारा देखा और ऐसे देखा कि उसकी आंखों से आंसू ही नहीं बंद हो रहे, और वहीं पर उसने उनके चरण में गिर गया, इस बात को वही सामने खड़े हो करके वो वैसे भी देख रही थी जो कि अति नीच प्रवृत्ति की थी, परंतु ऐसी बात को देख करके कि एक इतना बड़ा कामी पुरुष भी बदल गया, आज किस लिए है ये जो शरीर है, ये शरीर तो मल मूत्र टट्टी पेशाब का थैली है, और इस शरीर से मैं भोग कर रहा हूं जबकि मेरे सामने इतने बड़े महापुरुष खड़े हैं, आज मैं इनके चरण आश्रय करूंगी, तो इस प्रकार से दोनों ने गुरु जी के शरण में आए और दोनों को दीक्षा दिया, बाद में वो ऐसे भक्त बने कि जब भी वो गुरु जी की कथा सुनते थे तो गुरु जी का बहुत प्यार था, पहले तो कहां बलवान था, अब उसके अंदर दीनता आ गई, दीनता वो अधिकार है कि जो आपको सचमुच में जो शुद्ध भक्ति की ओर आगे बढ़ा सके, इसलिए तो महाप्रभु ने बोला त्रिणाता भी सुने जन नीचे हो जाओ, परंतु इस बात की ना जो रामानुजाचार्य के बाकी शिष्य थे इस बात की वो क्या करते थे, जिलसी मतलब ईर्ष्यान्वित थे, वो इससे हिंसा करते थे उसके ऊपर, जब भी गुरुजी नीचे नहाने जाएंगे किसी सरोवर में, धनुर्धर कहाँ है उसको बाएं तरफ रख करके उसके कंधे में हाथ डालेंगे तभी जाकर के ऊपर उठ के आएंगे, क्यों भाई हम इतना शास्त्र जानते हैं, इतने बड़े बड़े पंडित हैं, हमारे अंदर भी इतना शक्ति है, गुरुजी हमारे ऊपर भी तो हाथ डाल सकते, वो क्यों हम क्यों नहीं है, जबकि वो मूर्ख है, उसकी पहले की जिंदगी में वो क्या था, वो एक वैसा के प्रति आसक्त था, पहलवान था, तो लोगों को मारता था पीटता था, गुरुदेव उसके ऊपर इतने प्रसन्न क्यों है,
तो इस प्रकार से जब इस बात की मन में इन इन लोगों की विचार चल रहा था, रामानुजाचार्य तो समझ गए। तो ये जो थे ना गुरुजी, जब गोदावरी नदी में स्नान करने जाते थे, शरीर में तेल लगाते थे। जो शरीर में जो तेल लगाते हैं वो तो शरीर को अपवित्र माने जाते हैं, शरीर को तेल लगाकर अपवित्र माने जाते हैं। इसलिए वो जब उतरते थे क्या करते थे, उनका जो सन्यासी भक्त लोग थे ना, उनके कंधे पर हाथ रख करके उतरते थे। लेकिन स्नान करने का बाद जब फिर वो ऊपर आते थे, फिर वो धनुर्धर का कंधे पर हाथ रखते थे। अभी उनका जो त्यागी जो शिष्य लोग तो उनके अंदर में बड़ा बुरा उनका अंदर भावना है। गुरुदेव तेल लगा करके अपवित्र होकर के जब उतरते हैं तो हमारे कंधे पर हाथ रखते थे, और नहा करके जब उठते हैं और इसकी कंधे पर हाथ रख करके उतरते हैं। अभी शिष्यों का अंदर तो खिलबिली मच गई। शिष्य लोग तो आपस में चर्चा करने लगे गुरु जी की, देखो गुरु जी क्या करते हैं, हमको तो इसके सामने नीचो दिखा रहे हैं। इन गातर पे सब खिलबिली मच गई। लेकिन गुरुदेव ये चीज दिखाना चाहते थे, वहां पर शिक्षा देना चाहते थे। चैतन्य भागवत में एक श्लोक आता है, कहते गृह हो त्यागी हो भक्त भेद नहीं, भक्त भेद करने से कुंभ भाग जाए। इसका मतलब है भक्त का जो निरूपण है भक्ति क्षेत्र में, कौन कितने गुरु जी के चरण में निष्कपट शरणागत है, वो नहीं निर्भर करता है। नहीं हम त्यागी है, हम बहुत बड़े ये गृहस्थ तो कुछ नहीं। किसका कितनी अंदर में भावना गुरु सेवा के प्रति, किसका कितने भावना गुरु सेवा का प्रति, ये चीज को श्री रामानुज आचार्य दिखाना चाहते थे। इन्होंने देखा इनके अंदर में काना खुशी हो रही। तो इतने में गुरु जी ने एक लीला की है। क्या लीला की है? तो एक दिन कुछ शिष्यों को बुलाए, बोले कि देखो आज धनुर्धर घर पे होगा, तुम आज उनके घर पे जाना, नहीं उनके पत्नी घर पे होगी और वहां पे धनुर्धर मेरे पास होगा, तो वहां पे जाकर के ना तुम्हें काम करना, तुम लोग वहां पे जाकर के उनके जितने भी गहने हैं, जितने भी धन संपत्ति है वो सब लूट करके ले आना, ठीक है। तो वो गए तब देखा कि उनकी पत्नी थी पर सोई हुई थी, घर में सारा छान मार दिया, सारे टर्च मार मार करके सब निकाल के ले आए, पर जो पत्नी सो रही थी ना, इतने में वो जग गई, परंतु जग करके देखी कि ये तो अपने ही गुरु भाई हैं। देखो भक्ति करते करते एक वैसे कहां ऐसे मतलब उसके हृदय में परिवर्तन आ गया कि अब वो देख रहे हैं कि चोर को भी एक भक्त के रूप में और अपने भाई के रूप में देख करके उनको और प्रसन्न दे रहे हैं कि भाई ये त्यागी है, अगर ये चोरी करके ले भी जाएंगे तो ले करके जाएंगे कहां, जाएंगे तो अपने गुरु के चरण में, तो हम तो दे नहीं सकते, हम तो जानबूझ के दे नहीं सकते, अगर हम देंगे भी तो क्या पता गुरुदेव उसको स्वीकार करेंगे भी या नहीं, परंतु एक त्यागी का तो स्वीकार कर लेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने कोई हलचल नहीं मचाई और ऐसे कैसे सोए रहे। इतने में एक शिष्य आ रहे थे, उनकी नजर पड़ गया कि उनके शरीर पे देखा कि बहुत गहने हैं, तो उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे उनके हाथ में से और कान में से निकाल दिए। तो इतने में क्या हुआ कि थोड़ा सा वो और करवट बदला दिए और अनजाने में जैसे ना पता चला हो कि हाँ नहीं तो सचमुच में कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से सारा सब कुछ लेकर के वो आ गए। जब गुरु जी के यहाँ पे आ गए, अब गुरुदेव ने इशारा समझ लिया कि हाँ हम लोग आ गए चोरी करके। गुरुदेव ने बोले कि ठीक है धनुर्धर, बहुत रात हो गया, अब तो अपने घर पे चला जाओ। जब धनुर्धर घर पे गया ना, अब उसने देखा कि जो उनकी पत्नी सोई हुई थी उनमें से कुछ गहने और बच गए थे उसके पीछे। उसमें गुरुजी श्री रामानुजाचार्य उन्होंने एक नाटक रचा है, उनको शिष्यों को दिखाने के लिए, देखो उनको तुम गृहस्थ कहते हो और तुम अपना को त्यागी कहते हो, लेकिन उनकी भावना को देखो, हम क्यों स्नान करके उनकी कंधे के ऊपर हाथ रखे क्यों आता, इसके रहस्य को समझाने के लिए गुरु जी ने नाटक की। बोले देखो मैं कथा करूंगा, धनुर्धर कथा में बैठता है, नियम है जब तक कथा समाप्त नहीं हो जाए कथा से नहीं उठनी चाहिए। और उन्होंने अपना शिष्यों को भेज दिए, जाओ उनके घर से लूटपाट करके सारे माल को ले आओ, सब सारे सामान को ले आओ, और जब तुम इशारा करोगे ले आए फिर मैं छोड़ दूंगा। इतने में क्या हुई, वो पहुंच गए घर और उनकी पत्नी सो रही थी, हठात आवाज हुई, उसने देखा
देखा तो गुरु भाई लोग आए, विवाह आज हमारे घर पवित्र हो गया, हमारे गुरु भाई लोग आए, जरूर किसी चीज की गुरु जी की सेवा के लिए कोई चीज की जरूरत है इसलिए आए। उसने जान बुझ करके आप मंदिर से हो गए, सारे सामान को ले जाए, लेकिन उन्होंने देखा घर का जो अच्छे अच्छे चीज को वो बटोर रहे, बोले अच्छी बात है गुरु जी की सेवा के लिए ले जा रहे हैं, हाँ अच्छी बात। फिर उन्होंने देखा वो सोई हुई शैली में गहना है, उसने एक एक गहना भी उतारने लगे, लेकिन वो सोई नहीं जगी हुई, जान बुझ कर नाटक कर रही है, गुरु जी की सेवा में हर चीज हमारी लग जाए। एक तरफ का तो सारे गहना उतार दिया, वो सोच रही है देखो हम कितने भाग्यवान हैं, गुरु जी की सेवा के लिए सारे गहना ले जा रही है, लेकिन एक तरफ का तो ले लिए, लेकिन वो सो रही थी, बोले दूसरे तरफ का भी तो ले ले, इसलिए उसने किया कि करवट ले ली, लेकिन वो सोच रहे थे सोई हुई, वो सोई नहीं, वो तो जगी हुई, उसने बोले करवट ले लूंगी तो दूसरे तरफ का गहना भी गुरु जी की सेवा में चले जाएगा। इतने में जो उसने करवट लेने के लिए गई, उनको पता चला भैया तो जगी हुई है, इतने में भाग गई, जब भाग गए बोले गुरु जी हम सब लेकर के आ गए, जब लेकर के आ गए फिर गुरु जी ने कथा को समाप्त कर दिया, गए शिष्य को पीछे भेज दिया जाओ, वो आपस में क्या चर्चा करते हैं सुनकर जाना। बोलो भाई जब आए पीछे पीछे क्या चर्चा करते हैं, जब पति देव आए तब उनकी पत्नी कह रहे बोले आज क्या हुआ तेरे को पता है, बोले क्या है, बोले आज हमारे घर में गुरु भाई लोग आए, बोले गुरु भाई लोग आए थे और भाग्य संत लोग आए, बोले क्या हुआ, बोले सारे सामान को गुरु सेवा के लिए लेकर गए, लेकिन एक गलती मेरी हो गई, बोले क्या गलती हो गई, बोले आधा शरीर का तो अलंकार उतार दी, और मैंने सोचा आधा शरीर का अलंकार बाकी रह जाएगा क्यों, गुरु जी की सेवा में ये भी लग जाए, इसलिए मैंने करवट ली, करवट लेते ही उनको तो पता चला मुझे जग गई वो भाग्य समझे सब, देखो आधा शरीर का अलंकार गुरु जी की सेवा में लग नहीं पाए, उसको धनुर्धर डांट रही है, बोले तेरे को करवट लेने का क्या जरूरत थी, वो अपने आप खोल कर ले जाते ना, तेरे को करवट क्यों तू ले लिया, उन्हें धिकार देने लग गए, हाय रे इतना वस्तु गुरु जी की सेवा में लग नहीं पाए, हैं इस बात को सुन कर गए और गुरु जी को सारी बात बताए, बताए तो एक दिन गुरु जी ने फिर नाटक की, क्या नाटक की, शिष्य लोग जब गोदावरी में स्नान करते हैं अपना कपड़े को उतार करके, अपना कौपनी कपड़े को उतार करके स्नान करते हैं और फिर आकर पहनते हैं, गुरु जी ने क्या किया उनके जो कपड़े और कौपनी था थोड़ी सी उसका उधर उसका उधर उधर उसका उधर करते करते अदला बदला कर कर दिया, जब वो स्नान करके उठे जब कपड़े ढूंढे पहनने के लिए गए ना, देखा अपना कपड़ा है नहीं, हैं उसका कपड़ा दूसरे तरफ में, दूसरे कपड़ा तीसरे तीसरे चौथे, इतने में तो आपस लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, बोले तुमने मेरे कपड़ा कैसे पहन लिया, यहाँ से चोरी कैसे हो गई, तेरे पास में कैसे, वो कहे तेरे पास में मेरी कपड़ा कैसे गई, बोले तेरे पास में, बस लड़ना शुरू कर दी, आपस में लड़ना शुरू झगड़ा करना शुरू कर दिया। तो गुरु जी ने उनको बुलाया, बोले देखो आप बैठो, क्या समझो मैं क्यों धनुर्धर के तेल लगा करके तो तुम्हारे कंधे पर जाता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन जब मैं इसे उठता हूँ क्यों धनुर्धर के कंधे पर मैं हाथ रखता हूँ, देखो उसको घर में तुम लोग गए सारी चीज को उठा कर ले आए, उनको पता था तुम उठा ले जा रहे हो, आधा शरीर का अलग कर ले आए और आधा नहीं ला पाए तो कितने दुखी हो रहे थे, ये आधा शरीर भी बाकी क्यों रह गया, इसको क्यों नहीं ले गए, देखा ना गृहस्थ है गुरु जी की सेवा में कितने तत्पर है, गुरु सेवा के लिए कितने तत्पर है, और ये तुम्हारी कौपनी कपड़ा किसने दिया, मैंने मेहनत दिया तुमको और थोड़ी से अदला बदला हो गया, तुम क्या कर रहे हो आपस में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, है लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, इसलिए उसको कंधे पर हाथ रख करके मैं ऊपर उठता हूँ। शिष्यों को पता चला भैया हाँ, यहाँ पर रामानुजाचार्य शिक्षा देते हैं मेन वस्तु हम घर में रहे नहीं तो मंदिर में रहे कहीं भी रहे, लेकिन कौन कितने संपूर्ण रूप में ठाकुर जी की शरणागत है, ठाकुर जी की सेवा प्रति किसकी कितने रुचि, गुरु वैष्णव का सेवा प्रति कितना आत्मसमर्पण, वो चीज महत्वपूर्ण है, इसलिए वहां बोला तो कितने सारे भक्त गृहस्थ क्या थे नहीं, देखो अद्वैत आचार्य पंडित देखो श्रीवास पंडित श्री है कितने कितने भक्त शिवानंद से, लेकिन इन लोगों ने इतने महाप्रभु के चरण में समर्पित तन मन सब कुछ गुरु सेवा के लिए लुटा दिया, गुरु सेवा के लिए ठाकुर सेवा के लिए उन्होंने संपूर्ण उन्होंने पूरा के पूरा जीवन उन्होंने दे दिया, इसलिए कहते भैया कहीं भी रहो लेकिन
ठाकुर का सेवा गुरु वैष्णव की सेवा में संपूर्ण रूप में समर्पित हो ठाकुर ये चीज को देखते हैं, इसलिए रामानुजाचार्य ने ये चीज सिखा दिया। और कुछ बताए कहते इनकी इन्होंने जब शादी की इन्होंने जब शादी कर लिया इसलिए जब उन्होंने शादी की ना शादी की लेकिन इनका जो गुरुदेव है कहते श्री गुरुदेव लेकिन वो छोटे जाति के गुरुदेव थे, छोटे जाति के लेकिन परम वैष्णव है। लेकिन जो भगवान की जो भक्ति है ना वो छोटे जाति नहीं देखता है, इसलिए वह जय भज सही बढ़ अभक्त हिंसार कृष्ण भजन नहीं जाति कुलादि विचार। कृष्ण भक्त में जात कुल का कोई विचार नहीं, जो भजन करता है वो बड़ा है, हैं? अगर जो भजन नहीं करता भले बड़े जाति में जन्म लेकिन भक्ति नहीं करता है वो शूद्र से भी ज्यादा नीचे गया बिता हुआ। मैं नहीं भगवत भक्ति, इसलिए एक दिन उनने अपना कांचीपुर को अपने घर में निमंत्रण दिया, आज हमारे घर में प्रसाद है। जो प्रसाद है क्यों गुरु जी का निमंत्रण दिया, कारण है वो चाहता था जब ठाकुर जी का जो भोग लगता है प्रसाद, लेकिन भक्तों को खाए तो महाप्रसाद, और वैष्णव का जो अधरामृत जो प्रसाद वो बड़ा ताकत है भक्ति देने के लिए। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल भक्त भुक्त शेष एक निसाधन निर्भर, मतलब भगवत प्राप्ति का जो सबसे जल्दी से जल्दी हमें जो भगवत चरण तक पहुंचाने पर तीन चीजें क्या किया है, एक तो भक्तों का चरण धूलि, दूसरा है उनकी चरणामृत, तीसरा उनको कथामृत व उनकी अधरामृत, ये तीन चीज सबसे जल्दी से जल्दी प्रभु की भक्ति तक ले जाते हैं, भक्ति प्राप्त कराते हैं। इसलिए उनकी इच्छा था गुरु जी घर में आएंगे उनकी प्रसाद पाएंगे और बात है गुरु जी की जो प्लेट में अधरामृत छोड़ देंगे उसको हम प्रसाद पाएंगे। लेकिन जो वैष्णव है ना वो सहज में अपना प्रसाद देना नहीं चाहते, सहज में वो अपना प्रसाद देना नहीं चाहते, बोले क्यों उनको पता है। इसलिए भक्ति में ठाकुर कहते हैं नीचे श्रेष्ठ जानी उच्चिष्ठाधिदानी हबे अभिमान भार ताई शिष्य तब थाकिया सर्वदा ना गई व उजागर। इसका मतलब है जब हम अपना उच्चिष्ट को सबको देना शुरू कर तुम लो तुम लो तुम लो, इसका मतलब क्या बहुत बड़े उसमें अभिमान आता है, इसमें अभिमान आती है। इसलिए क्या करनी चाहिए, हर समय हम ये सोचने चाहिए हम तो भगवान की सेवक का सेवक का सेवक है, इसलिए ना लई वो सेवा का जिसकी सेवा नहीं लेना है जिसकी सेवा लोगे उसको देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। इसलिए कोई वैष्णव नहीं चाहता हमारे प्रसाद कोई ले, इसलिए उन्होंने क्या किया उसने क्या कि गुरु जी को निमंत्रण दिया, गुरु जी को निमंत्रण दिया तो गुरु किस लिए ना उनको पधरा फिर तो प्रसाद मिलेगा, लेकिन गुरु जी प्रसाद देना नहीं चाहते सहज में। इसलिए जब उन्होंने गए गुरु जी को बोल दिया था गुरु जी हमारे घर में आना, जब वो गए ना लेकिन वो भी नहीं चाहते मेरा अधरा मृत कर दिया, क्यों जानते रामानुज बहुत बड़े साधु है स्वयं लक्ष्मण है ये, इसलिए ब्राह्मण घर में हम तो छोटे जाति में जन्म ली। उन्होंने क्या किया वो तो इधर गए लेकिन वो गुरु जी छुप कर ना दूसरे रास्ता से आ गए और आकर उसकी जो पत्नी थी एकदम स्मार्तवादी कर्मकांडीवादी और स्मार्त ब्राह्मण है, वो किसी वैष्णव वैष्णव को नहीं मानती थी बल्कि वैष्णव विरोधी थी, है वैष्णव विरोधी है, इसलिए स्मार्त ब्राह्मण जाति के बड़ा अभिमान हम ब्राह्मण जाति के है ये छोटे जाति के इनके अधरामृत हमारा पति क्यों लेगा, पत्नी को भक्ति भक्ति में कोई रुचि नहीं भक्ति में। इसलिए क्या हुआ उन्हें दूसरे तरफ में आए बोले बेटी बेटी जल्दी जल्दी खाना दो मैं प्रसाद पाकर कोई जरूरी कदम कम जाऊंगा, वो भी यही चाहती थी मेरे पति जी का अधरामृत प्रसाद नहीं ले, उन्होंने फटाफट दिया और उन्होंने फटाफट प्रसाद को पा लिए और जो पतल समय था ना उसको नहीं रखा, क्यों रामानुज जो आ गया था पतल से प्रसाद चार चार करके आएंगे बस उन्होंने उसको पतल को लेकर के ना लेकर के गए और दूध जंगल में फेंक दिया। जब फेंक दिए थोड़ी देर बाद में रामानुजाचार्य आए बोले गुरु जी क्या आए थे, बोले आए थे, बोले प्रसाद पाए कि नहीं पाए, बोले प्लेट कहाँ, बोले गुरु जी तो प्लेट लेकर चले गए, बोले तुमने रखा ही नहीं, बोले मैं ही नहीं रखा, बोले प्लेट भी आप लेकर चले जाओ प्लेट चले जाओ मेरे को बताएगा रामानुजाचार्य उसका आधार मतलब क्यों खाएंगे हम ब्राह्मण है वो छोटे जाति के, लेकिन कहते नहीं कहते भक्त भक्त भेद कर ले से कुंभी पागी जाए, कहते भक्त में भेद नहीं करनी चाहिए ऊंचा जाति की छोटे जाति की
बड़ी जाति की तो कुंभी बाग जाके जाओगे, हनुमान कौन से जाति की, केवट कौन से जाति की, गोह का चढ़ाल कौन से जाति की, सबरी कौन से जाति की, प्रहलाद कौन से जाति की, सब छोटे जाति, गिरधर कौन से जाति की। इसलिए भक्त में कभी भेद नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नर्क जाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, लेकिन वो ब्राह्मण जो आचार्य इतने दुखी हुए, बोले ये ऐसे एक पत्नी है जिसकी भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं, इसका बेकार हम इसे शादी किया है, धिकार इसकी जीवन है। फिर क्या हुआ, जब उन्होंने गुरु से दीक्षा मंत्र लिया, किससे दीक्षा मंत्र लिया, शैल गुरु ना, तब उन्होंने जब दीक्षा मंत्र लिए, दीक्षा मंत्र लेते समय इनकी जो अधरा व्रत उन्होंने नहीं किया, बाद में उन्होंने सोचा इन्हीं को ही हम गुरु रूप में वर्ण करेंगे, इन्हीं को ही। उन्होंने बोले नहीं, पहले मैं ठाकुर जी को प्रश्न करता हूँ, ठाकुर जो आदेश देंगे जिसको उसको। फिर उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना की, ठाकुर जी ये हमें गुरु रूप में वर्ण करना चाहते हैं। तब ठाकुर जी उन्होंने बोले नहीं, उनको शैल पूर्ण थे, बोले उनसे तुम दीक्षा मंत्र देने के लिए उनको बोल देना। दीक्षा मंत्र लिए गुरु जी से, जब उन्होंने दीक्षा मंत्र लिए क्या हुआ, गुरु जी ने कुछ दिन के लिए कांचीपुर में पास में एक ही गांव में रहे। जब रहे, एक पहले तो घर में टोटी नहीं होता था, ऊपर टांकी तो होती नहीं, सब के सब कुएं में जाते थे पानी भरने के लिए, कुएं में जाते थे। उनकी जो गुरु जी थे वो भी साधारण जाति के थे, लेकिन ये ब्राह्मण घर के। उनके एक समय रामानुजाचार्य जी की पत्नी और गुरु जी की पत्नी दोनों एक साथ में कुएं में पानी भरने के लिए गए। जब पानी भरने के लिए गए, कुएं से कभी पानी भरे हो, कौन कौन कुएं से पानी भरे, आप कुएं से जब पानी निकालते हैं ना, कुएं से जब पानी निकालोगे तो उठा उठा उसमें पानी तो टपकती है। और उनका गुरु जी का कलश तो ऊपर था और रामानुज पत्नी की कलश था नीचे, तो इनकी कलशी का जो पानी है क्या हुआ, उनकी कलशी में पानी गिर पड़ा, गिर पड़ा तो छुआछूत का तो बड़ा बड़ा विचार था। इतने में रामानुज आचार्य का पत्नी, उनकी पत्नी को इतने गंदी गंदी गाली दी, बोले तुम साधारण शूद्र घर के होकर के और मेरी कलश में तुम्हारी कलश का पानी गिर गया, ठाकुर को सेवा भी नहीं लगेगी, हैं तो छोटे जाति के होकर के कैसे तुमने मेरे साथ में कैसे कलश डाली, इतनी बुरी बुरी गंदी गंदी गाली दी। वो इतने दुखी हो गई, इतने दुखी हो गई, आकर के अपना पति को सारी बात बता दी। बोले ऐसे ऐसे पति सुन करके इतने दुखी हुए, इतने दुखी हुए, बोले भविष्य में फिर ऐसे कोई घटना नहीं हो। उन्होंने ब्राह्मण जी को बिना बोले बगैर उन्होंने चले गए, वो गांव से दूसरे गांव में चले गए। ब्राह्मण जो आचार्य जो सोचे भैया बिना बोले गुरु जी क्यों चले गए, फिर पता चला ऐसे ऐसे घटना हुई। नाराज ब्राह्मण जो आचार्य बहुत उसको पत्नी के ऊपर बहुत नाराज हुए, ऐसे के नालायक स्त्री से मैंने शादी की जिसके भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं, कहां से आ गई हैं। इतने में क्या हुआ, एक समय कोई एक ब्राह्मण, जैसे पहले भिक्षा के द्वारा ही जीविका निर्वाह करती थी, कोई एक ब्राह्मण घर में भिक्षा के लिए, उसको भी उन्होंने बुरी तरह से उल्टा पुल्टा बोली, हैं काम धाम नहीं, भीख मांगने के लिए आ जाते हो, काम करे खाने से बड़ी बुरी तरह से गाली होती। उसने जवाब की ये बात उसने रामानंद आचार्य से बोले, ऐसे ऐसे आपको पत्नी फिर इतने इतने गंदी गंदी गाली दिया, उन्होंने सर कब तक इस चीज को मैं सहन करूँ, सोचा और घर में नहीं रहूंगा, घर त्याग करूंगा। उसने कहा देखो वो भिखारी को नया कपड़ा पहना दिया और एक पीली पत्र पत्र उन्होंने पत्र में पीली पत्र में एक उन्होंने एक पत्र लिखे, पत्र में ये लिखा उन्होंने उनको, बोले देखो अभी तुम जाओ ना, अभी तुमको बड़ा आदर मिलेगा, तुम ये बताना मैं तुम्हारी माई के सहाय, मैं तुम्हारी माई के सहाय माई के सहाय हैं आया हूँ, और तुम्हारे जो भैया छोटे भैया का शादी है, उस छोटे भैया की शादी है इसलिए तुम्हारे माई के से आए हूँ, और ये पत्र है छोटे भाई का शादी हो रही है और निमंत्रण दिया तुमको आने के लिए, उन्होंने तुम बोल देना और देखना तुम्हारा बड़ा आदर होगा। और वो पत्र में उन्होंने ये लिखा देखो ये तुम्हारी माई से पत्र है, छोटी भैया छोटे भाई का शादी हो रहा है इसलिए तुम जल्दी जल्दी घर में आ जाओ। उन्होंने पत्र जो भेज दिया, जब सुना माई से आई है, अब वो पता हुआ कितना आदर होता है, हाँ अभी तो उसको छुटकार करके भगा दिया था, भगा दी जब सुना माई के और छोटे भैया की शादी से निमंत्रण नारियल और पत्र लेकर के आई है, फिर तो चकाचक उन्होंने बड़े सुंदर भजन बना के उन्होंने बड़े सुंदर खिलाया। इतने में रामानुज आचार्य जी आ गए, तो पत्नी को तो आनंद की सीमा नहीं, ठिकाना नहीं,
बोले जानते हो इन्होंने हमारे भाई से पत्र लेकर के आए ही और छोटे भैया की शादी हो रही है। रामानुजाचार्य बोले देखो एक काम करो, तुम्हारे जितने अच्छे अच्छे कपड़ा है ना और गहना क्यों, तो सारे पूरा परिवार के लोग आएंगे, हैं सारा दुनिया के परिवार के लोग आएंगे, फिर घर में शादी शुदा होकर सारे बहन भाई एकत्रित होते हैं, उसी समय सारे ड्रेस निकालते हैं, बढ़िया बढ़िया गहना और कपड़ा निकालते हैं। बोले सारे गहना अच्छे अच्छे कपड़े को तुम यहाँ से सब लेकर दिया, वो और ज्यादा खुश हो गए, पति भी आदेश दे रहे हैं। इतने में बाप जब पत्नी को उन्होंने भेज दिया ना, रावण जो आचार्य ने घर छोड़ कर उन्होंने ठाकुर जी को पास में गए और अपना जादव आचार्य श्री गुरु जी का नाम को लेकर उन्होंने सन्यास ग्रहण किया। अरे सन्यास ग्रहण करते हुए सारा दुनिया में उन्होंने शुद्ध भक्तियों को उन्होंने प्रचार प्रसार किया। उनकी पत्नी जब अपना पीहर में गई चलते चलते दूर से देखा कोई शादी का देखो कुछ भी नहीं शादी, तो उन्होंने पत्र दिखाया, भैया ये पत्र हमारे पास में गई थी और उन्होंने बोले तुम्हारे छोटे भैया का शादी शादी, बोले नहीं शादी वादी कुछ नहीं है। तो उन्होंने पता चला रामानुजाचार्य उनको पीछे भेज करके सन्यास लेकर के साधु साधु बन करके चले गए, हैं अरे साधु बन करके चले गए। उसको बाद में उन्होंने शुद्ध भक्ति को उन्होंने सर्वत्र उन्होंने प्रचार किया, ऐसे उन्होंने शुद्ध भक्ति धारा की उन्होंने प्रवाहित किया, जिनकी शुद्ध भक्ति धारा में प्रभावित होकर गांव गांव में घर घर में भगवत भक्ति प्रचार होने लग गया। फिर इन्होंने जिनको अपना संग हैं गुरु रूप में ग्रहण करने के लिए जा रहे थे उनको हैं सन्यासी गुरु रूप में ग्रहण करने के लिए जा रहे थे, जाते जाते शरीर भी छूट गया, वहां पर पहुंच करते कर तीन अंगुल बांधे दो अंगुल खुला हुआ, वो समझ गए इनके मन में तीन इच्छाएं थी। फिर उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि विश्व ब्रह्मांड में भगवान की जो शुद्ध धारा की भक्ति धारा को सारा विश्व ब्रह्मांड में प्रचार करूंगा, एक अंगुल अपने अंगुल लिया। दूसरी उन्होंने प्रतिज्ञा की मैं वेदांत सूत्र का भाष्य लिखूंगा, दूसरा अंगुल अपने अंगुल लिया। फिर तीसरा प्रतिज्ञा उन्होंने की जो शुद्ध वैष्णव की जो सदाचार है वैष्णव सदाचार को जगत में सर्वत्र में प्रचार प्रसार करूंगा करते ही सारे को सारे अंगुल खुल गया। जितने लोग देख देख रहे हजार को निकले बाबारी इनको कैसे पता गुरु जी की इच्छा थी है। फिर उन्होंने सन्यास ग्रहण करते हुए सारा दुनिया में भक्ति प्रचार की, कभी उनको जान से मारने के लिए भी कभी उनको कोशिश की है जान से मारने के लिए, लेकिन जाके राके साया मार सके ना कोई बाल ना बांका कर सके, इसलिए उनको तो चरणामृत में भी जहर दे दिया, चरणामृत को अंदर में जहर भी पी के कुछ नहीं हुआ। एक बार पुजारी को षड्यंत्र किया, पुजारी प्रसाद उनके लिए जाता है ना, उनको षड्यंत्र किया तो तुम्हें पैसा देंगे इनको मरवाना, उसने अपना पत्नी को बोल दिया मेरे साथ देना और वहां जहर देकर उसको मारना चाहते हैं, लेकिन उसको पत्नी बड़ी अच्छी प्रकृति की थी, जब उन्होंने जब उनको खाने के लिए प्लेट दे दिया जहर पिला करके, उसकी पत्नी वहां पर गई प्रणाम करने का बहाना से, प्रणाम करने का बहाना से गई और उनको प्यार में ना अंगुल प्रणाम करते हुए उन्होंने अपना अंगुल से उन्होंने कुछ इशारा किया, मतलब ही इस खाना को नहीं खाना, वो समझ गए भैया मेरे अंगुल में हाथ लगा करके वो कुछ बोल करके गई। फिर वो खाना को जो कुत्ते को दिया ना, कुत्ते को खाना देते ही वहीं पर प्राण उसकी वहीं पर छूट गए उसके प्राण। इसलिए इन्होंने जगत में हमारे शुद्ध भक्ति धारा को उन्होंने प्रचार प्रसार किया, इसलिए अभी जो वैष्णव धारा का बड़ा प्रभाव वृंदावन में रंग जी मंदिर में गए होंगे ना, रंग जी मंदिर में हाँ जो रंग जी मंदिर जो ठाकुर जी है इनको द्वारा प्रतिष्ठित ठाकुर को मतलब उसी धारा से, और जो श्रीरंग में और जो अलग अलग जगह पर जितने नारायण का विग्रह है, आप हम लोग गए थे कहाँ पर गए थे और साथ हम लोग गए थे जो बेंगलोर से हम आगे गए थे श्रीरंग में हम लोग गए थे, आप गए हो श्रीरंग, उनका जो गेट है ना विश्व ब्रह्मांड में इतने बड़े बड़े गेट, कितना गेट था वहां पर, चार गेट चार तरफ में चार गेट इतने विशाल, और वहां पर लाइन लगे हुए एक लाइन तक फ्री है, तो दिन भर खड़े होगे तो आपको निश्चित दर्शन होगा, एक लाइन में 50 रुपया है, थोड़ी सी जल्दी होगी एक लाइन में 250 रुपया है और थोड़ा जल्दी होगी एक लाइन में 5 रुपया और लोग लाइन लगे हुए लाइन लगे हुए ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। और इन्होंने जहाँ पर समाधि लिए ना, अभी उनका शरीर उन्होंने नहीं छोड़ा, सब शरीर में समाधि दी, अभी भी कहते वो शरीर वही जो समाधि लिए ना वो जो मेन शरीर उसी मंदिर में, अभी कहते जो नागपुर बैठती है ना अभी भी उस ठाकुर जी की नागपुर अभी भी बैठती है,
मुझे रामानुजाचार्य पूरा बैठ करके समाधिस्थ हो गए थे, उसी में ही अपना पूरी पूरा समाधि हो गई। इसलिए इनकी और भी बहुत अच्छी अच्छी कथा है, इनका जो विचार है विशिष्टता तो इधर है। बोलो उनको इसमें क्या बोलना चाहते हैं आप? प्रभु जी 5 मिनट बोलते हैं, उसके बाद सोचेंगे। ठीक है, कल कल आप सुनेंगे इनका जो फिलोसफी है, इनका जो फिलोसफी वो क्या इनका फिलोसफी है। इसलिए विशिष्टता द्वैतवाद इनका फिलोसफी, और विशिष्टता द्वैतवाद है क्या चीज है, किसको कहते हैं, कल हम इस चीज को हम कल श्रवण करेंगे, और महाप्रभु की कथा भी कल सुनेंगे, एक दिन कथा भी सुनेंगे। ठीक है, एक दिन साथ आज। हाँ देखो कल है, हाँ देखो अच्छे तरह सुन लो, जो परसों नित्यानंद त्रयोदश, कल बराह द्वादशी, कल बराह देव का जन्मतिथि है, बराह भगवान। इसलिए नित्यानंद त्रयोदशी नित्यानंद प्रभु साक्षात बलदेव प्रभु, इसलिए कोई भगवत अवतार में हम पूरा पूरा व्रत रखते हैं, जैसे जन्माष्टमी रखते हैं, रामनवमी रखते हैं, नरसिंह चतुर्दशी, नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु है, हम भी व्रत रखते हैं। लेकिन इस बार क्या हुई, ये दो व्रत करके एक दिन में आ रहे हैं, इसलिए कल श्री वामन द्वादशी, अगर कोई कल का व्रत को पूरा निर्जला रखे, कुछ भी नहीं खाए, पान तक भी नहीं पी, नहीं पी करके दूसरे दिन टाइम के अनुरूप जो टाइम दिया उसे टाइम के अंदर में केवल पानी लेकर के आपको व्रत करना पड़ेगा, केवल पानी से चरणामृत लेकर व्रत कर लो है। और दूसरे दिन क्या करना पड़ेगा, नित्यानंद प्रभु का जन्मतिथि, नित्यानंद प्रभु दोपहर में जन्म लिए, फिर दोपहर को बाद में फलाहार लेकर के फिर नित्यानंद त्रयोदशी हो जाएगी, नित्यानंद त्रयोदशी। इसलिए बराह द्वादशी भी हो जाएगी, एकादशी हो गई, त्रयोदशी भी हो गई, कहते ये एक नियम है, ये नियम थोड़े से कठोर नियम है, अगर जो कर सकते बहुत अच्छी बात है, दो नाम की लड्डू भी नहीं। लेकिन और एक नियम है, अगर इतने कठोरता पूर्वक कोई नहीं कर सके, कल जैसे बराह द्वादशी, कल दोपहर तक कुछ खाए नहीं, जला रहे, दोपहर को बाद में बराह देव का अर्चना होगी, अर्चना को बाद में फिर चरणामृत लेकर के जैसे फलाहार करते हैं ना, जैसे फलाहार करते हैं एकादश कल द्वादश जुक्त जो फलाहार फलाहार कर लेना, फलाहार करके जैसे रात को भी फलाहार करते हो, सगर भी करते हो, और फिर दूसरे दिन टाइम दिया हुआ इसी समय को अंदर व्रत खोल लेना। ठीक है, ये एक तरह का, इसलिए दो तरह का, अब जिसको जैसे समर्थ है वो वैसे कर सकते हो, जिसका समर्थ अनुरूप, अगर वो भूखे नहीं रह सकते पूरा एक दिन का, फिर हमारे प्रेम जान तो प्रभु पहले हाथ उठाते कर्म का ये व्रत को, लेकिन व्रत का कठिन है, अगर इसको नहीं कर सकते हो जैसे एकादशी करते कल कर लेना, दोनों तो एक साथ में जाएगी, और जो कर सकते हो करे, पूरा फल निर्जला रख करके परसों पानी लेकर के व्रत करके व्रत पर, अब जैसे आपकी इच्छा है दोनों खुला हुआ है। ठीक है, और जो नित्यानंद त्रयोदशी यदि है उसी दिन सुना, परसों हाँ सुना इधर, परसों सबके सब यहाँ पर आना, सुना इधर, परसों नित्यानंद प्रभु का त्रयोदशी है ना, नित्यानंद प्रभु जन्म हुए, इसलिए परसों दोपहर में इनका जन्म होता है, उस दिन हम नित्यानंद प्रभु का अभिषेक करेंगे, अभिषेक करके फिर उसी दिन अभिषेक करके फिर यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद प्रसाद मतलब है दाल सब्जी चावल रोटी प्रसाद है। अगर कोई बोले हम व्रत किए हुए उनके लिए फलाहार भी, हम पूरा फलाहार भी उनके लिए बना देंगे, फलाहार भी की तरफ जो पूरा व्रत रख सकते तो फलाहार भी बना देंगे, और थोड़ी सी दाल भात अन्न चावल प्रसाद परसों दो पर। ठीक है, इसलिए जिसकी जैसी इच्छा है आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, हरे कृष्णा हरे बल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम Thank you.
Gurudev ki jai.